इससे बड़ा है, इससे बड़ा ये, इसमें ये कितने लीटर मछलियाँ ली हैं? अच्छा हाँ, इससे थोड़ी सी अंदर माहौल अच्छा बन जाता है। हम आगे मेरे ख्याल में रॉन्ग सेक्शन की तरफ, तो हमें जाना है जो खाने पीने का सामान है, क्योंकि आज हमने खाना खाया। हम जो है ना ये कोशिश करेंगे कि अपने प्रोडक्ट्स लें, अपने लोगों को सपोर्ट करें। ये इसका शान है, पाकिस्तानी है इसको। हमारे पास दो ट्रॉलीज थी, दोनों फुल हो चुकी हैं, तो हमने थोड़ा अपना रेस्ट करने का सोचा। बिल्कुल चलता है कि हम लोग जो है ना रमज़ान आ गया है, हमारे दस्तरखान भरे होते हैं, तो चलें ये शॉपिंग होगी और स्पिरिचुअल भी हम उस पर भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन वो आपको हम अपने जो है ना स्टूडियो से, हम जो पॉडकास्ट हमारा रेगुलर होता है उसमें हम थोड़ी वो चीज़ें भी हाईलाइट करेंगे। लेकिन अभी ये एक ट्रॉली है, भाजी ने जो है ना पूरा माल लोड कर लिया है, और ये देखें यहाँ पर मेरी खाली है अभी। हमारी शॉपिंग ऑलमोस्ट कम्प्लीट हो चुकी है, चले भाजी चले। जिसके पास है अल्हम्दुलिल्लाह मिल गया, उसको काम भी मिल गया। लोग बोलते हैं सऊदी में काम नहीं, बहुत काम है, क्यों नहीं है, लेकिन तालीम वालों की है। जिसके पास एक्सपीरियंस हो, थोड़ा तजुर्बा हो जी, अपने स्पेशली पाकिस्तानी भाइयों, मैं स्पेशली पाकिस्तानी भाइयों को ये मशवरा देना चाहता हूँ कि पैसा इन्वेस्ट करो। इसका पैसा इन्वेस्ट करेगा बिजनेस में तो थोड़ा ये कि रमज़ान के लिए पूरा सामान लिया जाए और देखते हैं फिर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू टॉक एंड ट्रैकर यूट्यूब चैनल। आज हम आए शॉपिंग करने और ये रमज़ान की शॉपिंग है, सुबह पहला रोज़ है इंशाल्लाह, और हम मार्केटों की तरफ निकल आए और देख सकते हैं आप पब्लिक भी बहुत ज़्यादा आई हुई है यहाँ पर। इस वक्त हम अजीज़िया में मौजूद हैं, अजीज़िया में ये नेस्टो मॉल है, और यहाँ हम आए और हमारी टीम हमारे साथ है, तो आपको दिखाएँगे कि हम क्या शॉपिंग कर रहे हैं और रमज़ान के लिए हमारी क्या प्रिपरेशन है। हमने आए थे यहाँ पर, अभी काफ़ी ज़्यादा रश वगैरह, हम लोग आज इसलिए आए थे क्योंकि कल लास्ट डे है, तो कल ज़्यादा रश होगा, तो आइए चलते हैं अंदर, आपको दिखाते हैं बाकी क्या देते हैं। ये हमारी ट्रॉली बिल्कुल खाली है, हमने दो ट्रॉलीज ले ली हैं, एक मेरे पास है और दूसरी वजी के पास है ट्रॉली। तो क्या क्या चीज़ें डालनी है इसमें आज? अभी जो अभी सबसे पहले तो हमारा कंपटीशन होगा, ये देखें दोनों ही ट्रॉलीज खाली हैं, तो देखते हैं कि कौन ज़्यादा जो है ना ट्रॉली भरता है और कौन हेल्थी चीज़ें इसमें डालता है। तो आपको वीडियो के लास्ट पे हम बताएंगे हमने क्या शॉप किया है और किस आदमी ने जो है ना हेल्दी चीज़ें ज़्यादा अपनी ट्रॉली में डाली हैं। रमज़ान की शॉपिंग में सबसे पहले हमने शर्ट लेनी है, कौन सी, टॉक एंड ट्रैकर की? हाँ, सेल लगी हुई है। हाँ, स्टॉक असल में हम आगे मेरे ख्याल में रॉन्ग सेक्शन की तरफ, तो हमें जाना है जो खाने पीने का सामान है, क्योंकि आज हमने खाना पीने का सामान लेना है। अगर ईद की शॉपिंग करनी है एडवांस में कर लें। हाँ, वो बाद में देखते हैं। ठीक, ओवन देखना है, ओवन लेने? हाँ, ओवन भी लेना पड़ेगा चीज़ें गर्म वगैरह करने के लिए। ठीक है, ओवन देखने। ये जो आज हमने मंगवाया ये वही है, 215 मदीर। ओवन चाहिए कौन सा अच्छा है इसमें जी? पास का है, पास है। थोड़ा बड़े साइज का, इससे बड़ा है, इससे बड़ा ये, इसमें ये कितने लीटर है? 27 लीटर, इससे बड़ा वाला, थोड़ा वाला वो वाला, ये वाला 549, ये शार्प का है। ठीक है, आप बताएं कौन सा लेना चाहिए। हाँ जी, कौन सा लेना है, कौन सा हमें रेकमेंड करें ना, हमें एक ओवन चाहिए, कौन सा अच्छा, ज़्यादा बड़ा भी नहीं चाहिए, हल्का फुल्की चीज़ें करने के लिए। ये इसकी वारंटी है? वारंटी है। कितनी वारंटी है? 2 साल का, इंटरनेशनल। किसका ये? क्लिक कौन सी कंपनी है? क्लिक कौन कोई नहीं है ना,
पुराना कंपनी। अच्छा पुराना तो हमने जीपास का नाम सुना हुआ है, जीपास हो गया, जीपास किप्टोन ओल्सरमा इंटेक पुराना है। जी ये आपने क्या उठाया अभी? ये अगरबत्तियाँ ली हैं। अच्छा हाँ, इससे थोड़ी सी अंदर माहौल अच्छा बन जाता है। वैसे तो आपको पता है ये हिंदू यूज करते हैं पूजा के लिए, लेकिन हमारा मकसद अभी हमारे कल्चर में भी आ गया। बेसिकली इसका मतलब है खुशबू वगैरह घर में। हाँ बिल्कुल, अच्छी रहती है। तीन रख लूँ? हाँ चले रख ले तीन चार, ताकि पूरा रमजान में ठीक तरह से। हाँ बिल्कुल, पाकिस्तानी अचार मिल गया मेहरान का, पाकिस्तानी प्रोडक्ट है मेहरान का, और हमने स्पेशली अपने जो है ना बकेट में डालना है। ये देख सकते हैं नीचे अहमद का अचार है, नेशनल का अचार है, और यहाँ पर जितने भी मसाले हैं, और हम जो इस सेक्शन की तरफ आए हैं वो है पाकिस्तानी सेक्शन है, क्योंकि आपको पता है हमें अपने ही मसाले पसंद हैं। ऐसे बाकी कंट्रीज़ के भी लगे हुए हैं, लेकिन हम जो है ना यही कोशिश करेंगे कि अपने प्रोडक्ट्स लें, अपने लोगों को सपोर्ट करें। पाउडर ये इसका शान का है, पाकिस्तानी है, इसको दो रख लेते हैं। हाँ, ये एक काफ़ी है, दो रख लेते हैं। दो काफ़ी हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शॉपिंग हमारी कंटिन्यू है और हमने काफ़ी शॉपिंग कर ली है। तकरीबन हमारे पास दो ट्रॉलीज थी, दोनों फुल हो चुकी हैं, तो हमने थोड़ा अपना रेस्ट करने का सोचा। बिल्कुल, तो कैसी रही शॉपिंग वजी? ज़बरदस्त रही। यहाँ ये इस नस्तों की ये अच्छी बात है कि ये जगह बहुत खुली है यहाँ की। बिल्कुल, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, इजी हमने शॉपिंग की। आपको पता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा इसकी ये बड़ी अच्छी खसूसियत दिखी है। अगर आपने शॉपिंग करनी है, इजीली करनी है, वैसे तो रमज़ान में रश तो हो गई, तो हमने ऐसा टाइम सेलेक्ट किया है जो असर के बाद का, क्योंकि कल रोज़ा है। तो हमने तो अल्हम्दुलिल्लाह शॉपिंग अच्छी तरीके से कर ली। आपको ट्रॉलीज भी बताएँगे थोड़ी देर के बाद। ये तो चलो होगी हमारी जो है ना खाने पीने के मामलात हो गए, और जो है ना फूड की शॉपिंग होगी, क्योंकि रमज़ान में तो हम ज़्यादातर फूड से ही पता चलता है कि हम लोग जो है ना रमज़ान आ गया है, हमारे दस्तरखान भरे होते हैं। तो चलें ये शॉपिंग होगी, और स्पिरिचुअल भी हम उस पर भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन वो आपको हम अपने जो है ना स्टूडियो से, हम जो पॉडकास्ट हमारा रेगुलर होता है उसमें हम थोड़ी वो चीज़ें भी हाईलाइट करेंगे। लेकिन अभी ये टाइम है शॉपिंग का, और वजी ने तो काफ़ी चीज़ें डाल ली है ट्रॉली में। मेरी ट्रॉली अभी आधी है, वजी की तो फुल हो गई है, अभी मुझे चीज़ें और भी भरनी है। नहीं, आपकी भी फुल करवा के लेके जाएंगे। तो बस सबके सबको जो है ना रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो, सबके लिए दुआएं हमारी तरफ से, और अल्लाह पाक सबको ये रमज़ान जो है ना बरकत के साथ पूरे करने की तौफीक अता। और आपको कैसा लगा, पूरा एक्सपीरियंस कैसा लगा? हम जो घर से आए थे, ट्रैफिक वगैरह तो वैसे भी थी। हाँ बिल्कुल, लेकिन उसके अलावा क्या चीज़ यहाँ पर आपको अच्छी लगी जो आपने मुख्तलिफ सी दिखी है? नहीं, यहाँ पे एक तो माहौल बहुत अच्छा है, दूसरी ये बात देखें इसके अंदर ये एक बैठने की उन्होंने बहुत अच्छी जगह बनाई हुई है। अगर आप कुछ खाना पीना चाहते हैं या कुछ भी, आप यहाँ इजीली बैठ के जैसे हम बात कर रहे हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे बात करने में। और यहाँ पर देखें इतनी बड़ी ये मार्केट है, और ये फूड सेक्शन साइड पर बनाया हुआ है। तो हम जो है ना कुछ ऑर्डर करते हैं, अभी कुछ कॉफ़ी वगैरह भी पीते हैं, कुछ जूसेज वगैरह भी हैं इनके पास। बिल्कुल, तो मैं तो जूस लूँगा, आप क्या लेंगे? हाँ मैं भी आजकल डाइट पर हूँ। अच्छा, डाइट पर। चले, हेल्थ का बहुत ख्याल रखना है। हमारे जो है ना टॉकिंग ट्रैकर की पूरी टीम हेल्थ का बहुत ख्याल रखती है, और जिम रेगुलर जाते हैं सारे हम लोग, और जो है ना खाने में भी थोड़ी परहेज करते हैं, तो आपके साथ भी वो चीज़ें हम साथ साथ शेयर करते रहेंगे। और रमज़ान में आपने भी थोड़ी सी परहेज करनी है। हाँ, ये ना हो कि दस्तरखान में इतना लोड करके उठेंगे तरावी के बाद उठें। हाँ, वो शहीद अफ्तार ना हो जाए ना कहीं। चले इंशाल्लाह पॉडकास्ट में हम लोग डिस्कशन करते रहेंगे बाकी जो टॉपिक्स हैं। ये हमने बोला कि आज हमारी टीम आई हुई है टॉक एंड ट्रैकर की। बिल्कुल, और शॉपिंग करने हमारे एक जो मेंबर है वो थोड़े मिसिंग है, थोड़े बिजी थे। हाँ, लेकिन शाम के टाइम इंशाल्लाह उनसे भी आपकी मुलाकात करेंगे। थैंक यू, थैंक यू सो मच। चलें देखते हैं जी हमारी ट्रॉलीज कितनी भर चुकी हैं। ये एक ट्रॉली है, वजी ने जो है ना पूरा माल लोड कर लिया है। और ये और ये देखें मेरी खाली है अभी। और एक और चीज़ दिखाते हैं, क्योंकि रमज़ान के हवाले से यहाँ पर हमारे जो है ना लग चुकी हैं समोसे पकौड़े तली हुई चीज़ें। ये देखें बिल्कुल बर्तन लग चुके हैं, और ये जो है ना पकौड़े समोसे ऑयली स्टफ़ आपको यहाँ से मिलेगा। तो ये डिपेंड करता है,
ये समोसा चाट है, पोटैटो प्योर है, आलू चाट है, पबजी है, पबजी पानी पूरी। अच्छा अच्छा पानी पूरी, पानी पूरी भी है। पानी पूरी भी है जी। ये अच्छी सेटिंग बनाई है हमने गाइस, सच चुकी है जी मार्केट है। अगर रमजान क्या, हमारी शॉपिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, चले भाजी चले, क्योंकि बाकी शॉपिंग भी अभी रहती है, अभी तो हाफ हुआ है। हाँ बिल्कुल, तो अभी आपको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे साथ हमारे एक अपनी भाई मिले अब्दुल सैयद अब्दुल रकीब शाह और शेराजी, तो ये आज ना इनसे हम पूछते हैं, ये काफ़ी अरसे से यहाँ सऊदी में है, रियाद में है, तो ये इस मॉल में है, अजीज़िया मॉल है जहाँ पर नेस्टोपिया और बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल है और हैं हमारे इलाके के बटग्राम के, वैसे तो सारे ही हमारे भाई हैं, ये बिल्कुल हमारे क्लोज हैं। तो कैसे हैं आप सर? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा, आप सुनाओ कैसे? सब ठीक ठाक। कितने टाइम से आप यहाँ पर हैं सऊदी में और रियाद में? मैं तो सऊदी में काफ़ी टाइम से हूँ, तकरीबन 2013 से। अच्छा माशाल्लाह 2013 से। तो इधर ही फिर 7 साल मैंने बर्गर मशवी में काम किया, फिर इधर से एग्जिट मार दिया, फिर दूसरे वेजे पे आया हूँ। अच्छा, अभी भी तकरीबन 1.5 साल हो गए। नहीं, मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि हमारे पाकिस्तानी भाई बहुत कम होते हैं, हमारे पाकिस्तानी भाई होते हैं सिर्फ मजदूरी करते हैं या फिर बहुत अच्छी पोजीशन पे होते हैं। आप अभी जैसे आपने बताया कि आपने बर्गर किंग में काम किया है, अभी ये आप मशवी में किया है, ये जी ये भी बहुत अच्छा सेटअप है जहाँ पर ये काम कर रहे हैं। और ऐसे ही आप हमारे पाकिस्तानियों को, हमारे लोगों को क्या बताएंगे, हमारे लोग सिर्फ आते हैं या मजदूरी करते हैं या वो फिर अफसर बनते हैं, दो ही है, बीच वाला रास्ता नहीं। नहीं, या तो उधर से अच्छा सा डिप्लोमा करके आ जाए जी, या कोई बिजनेस के लिए। ये मजदूरी का बात अभी ध्यान से निकालना चाहिए। बिल्कुल, अभी क्यों ये भी मिलता भी नहीं है। मेरे अपने रूम में काफ़ी लोग ऐसे मदरस में फारिग बैठे हुए जी, जिसकी वजह ये है कि उसके पास कोई डिप्लोमा नहीं है। जिसके पास है अल्हम्दुलिल्लाह मिल गया, उसको काम भी मिल गया। लोग बोलते हैं सऊदी में काम नहीं, बहुत काम है, क्यों नहीं है, लेकिन तालीम वालों की है, जिसके पास एक्सपीरियंस हो, थोड़ा तजुर्बा हो जी। लेकिन जैसे ये काम है आपका, ये फूड का, ठीक है जी, अच्छा एक सेटअप बना है, फूड रेस्टोरेंट मैंने अभी विजिट किया, बड़ा ज़बरदस्त सेटअप बनाया आप लोगों ने, और आप यहाँ पर जो है ना अच्छी सर्विसेज दे रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे हमारे पाकिस्तानी भाइयों को, क्योंकि आप देखें जितने भी ओनर्स हैं आपको पाकिस्तानी नहीं नजर आएंगे, जितने भी इसके मालकान हैं आपको भाई वो इंडिया के अलग हैं, इंडिया के हैं या बांग्लादेश के हैं या काफ़ी अलग कंट्रीज़ के हैं, यानी मुख्तलिफ कंट्रीज़ के, तो आप क्या हमारे पाकिस्तानियों को, हमारे लोगों को क्या मशवरा देंगे कि कैसे सेटअप किया जाए और क्या जो है ना उनको थोड़ा मशवरा आप दें अपने स्पेशली पाकिस्तानी भाइयों? मैं स्पेशली पाकिस्तानी भाइयों को ये मशवरा देना चाहता हूँ कि पैसा इन्वेस्ट करो, इसका पैसा इन्वेस्ट करेगा बिजनेस में तो थोड़ा टाइम लगेगा, वो अलतूल पाकिस्तानी जो है वो अलतूल पैसा चाहिए उसको, अलतूल नहीं है, थोड़ा टाइम मांगेगा, 1 साल 6 महीना 7 महीना ऐसा होगा, फिर वापस आएगा ना। अच्छा। तो ये लोग जो है बहुत पैसा इन्वेस्ट करते हैं, इसका इंतजार करता है, एकदम वापस नहीं मांगते हैं, हमारी तरह वो नहीं है, जल्दबाज नहीं है, हम लोग तो लंबा सोचते हैं। हाँ, हम लोगों का ये है कि वो टिकटॉक की वीडियो की तरह बस हर 2 मिनट के बाद जाना, 1 सेकंड के बाद चेंज करना है। तो इनका ये मशवरा जी, अगर यहाँ पर बिजनेस किया जाए, इन्वेस्ट किया जाए और उसके बाद थोड़ा वेट किया जाए तो अच्छा सेटअप बन सकता है। तो हमारे जो जितने भी नाजरीन हैं, देखने वाले हैं, उनको हम यही कहना चाहेंगे कि आप बिज़नेस करें, बिज़नेस एक बहुत अच्छी चीज़ है और बहुत लोग कर रहे हैं, हम उनके साथ जैसे काम करते हैं, तो वाई नॉट, क्यों हम जो है ना ओनर्स नहीं हो सकते बिज़नेस के? तो चले, थैंक यू अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा फैमिली का जो सब लोग हैं ना, वो अल्हम्दुलिल्लाह जो बड़ा बड़ा बिजनेसमैन भी है अभी, और ये बर्गर वगैरह का पूरा तजुर्बा है उस लोग, शॉर्मा बर्गर ये सब लोग, यानी मसरियों वगैरह से काम किया है ना, तो इसलिए सीख लिया है सूरियों से, मसरियों से। अच्छा से, तो इन लोगों से सीखना चाहिए। आपको कितना टाइम हो गया यहाँ सिर्फ इसी फील्ड पे, ये जो फास्ट फूड के रेस्टोरेंट की फील्ड में आपको कितना टाइम? मेरा तकरीबन काफ़ी टाइम हो गया, मैं तो बोला मैं 2013 में आया हूँ, फिर 2 साल बाहर काम किया। अच्छा, फिर इधर आया हूँ। अच्छा, और अल्हम्दुलिल्लाह भी सब अच्छी तरह सीख लिया है, अगर मौका मिले तो अपना बड़ा बिजनेस भी कर सकता हूँ, मुश्किल नहीं है। चले, थैंक यू, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी, बड़ी बड़ा याद से, थैंक यू।
ये फाइनली जी हमारी शॉपिंग कंप्लीट हो चुकी है और हम इस टाइम जो है ना पहुंच चुके हैं अपनी गाड़ी के पास और ये दो ट्रॉलीज हमने ले ली हैं। कोशिश यही की है कि रमज़ान के लिए पूरा सामान लिया जाए और देखते हैं फिर जो चीज़ कम हुई तो फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह साथ साथ लेते रहेंगे। चले जी थैंक यू वेरी मच। वजी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और बाकी जो है ना हमारा पॉडकास्ट वगैरह चलता रहेगा उसमें मुलाकात होती है। थैंक यू वेरी मच। हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और मज़े मज़े की वीडियोस देखने के लिए थैंक यू सो मच। वेलकम।